बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज का व्लॉग कुछ यूँ है कि मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद, वो भी ट्रेन पे। सो ये बड़ा लास्ट मिनट डिसीजन था मेरा, क्योंकि मैंने जाना था इस्लामाबाद, क्योंकि छोटे भाई की बर्थडे थी तो उधर हमने जाना था। तो बस फिर अभी ये मेरा फर्स्ट टाइम है, आई थिंक एक दफ़ा मैं, ये सेकेंड टाइम है बल्कि मेरा ट्रेन पर बैठने का, क्योंकि एक दफ़ा मैं बैठा था लेकिन उस वक्त मैं बहुत छोटा था। सो आज मैं जा रहा हूँ ट्रेन पर और वो भी बिल्कुल अकेले। सो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो बस अब ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो थोड़ी देर तक ट्रेन आती है फिर आगे आप हम आपको मिलते हैं। चलो तो बस अभी हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का, सिर्फ आई थिंक 10 मिनट तक ट्रेन आ जाएगी, फिर हम लोग रवानगी करेंगे। और ये मेरा भाई पीछे कैमरे के समी खड़ा है, थैंक यू समी वीडियो बनाने के लिए और आसपास दिखा देने। सर बैठते हैं, ये अपना ले ले, सही है लाभ है, आगे बैठ जाएंगे पीछे से दूर। मेरे गाइस मैं अपने स्टेशन पे पहुंच आया हूँ और ये पता नहीं इसको क्या हुआ है, इस बंदे को क्या हो गया अल्लाह जाने। भाई मेरा मुझे कह रहा है कि आगे से लोकल आ जाओ क्योंकि वो ज़रा दूर है, सो मुझे पिक करने आएगा लेकिन उसको थोड़ी टाइम लगेगा। तो मैंने कहा तब तक रहा टाइम बचाते हैं और रास्ता काम करते हैं। सब मुझे बिल्कुल नहीं पता किधर से जाना, यहाँ कोई उतना ख़ास स्टेशन वगैरह भी नहीं बना हुआ। सो अब देखते हैं आगे क्या करते हैं, चलें फिर आगे पहुँच के आपको मैं दिखाता हूँ साथ। सो फाइनल ये डिसाइड हुआ है, मैंने कहा मुझे तो रास्ते नहीं पता, सो उन्होंने कहा है कि आप वेट करो तो वो लोग पिक करने आएंगे। तब तक मैंने कहा आप लोगों को ज़रा स्टेशन वगैरह घुमा तो सुने, यहाँ पर म्यूज़ियम भी था। बट अभी उनसे बात हुई है सिक्योरिटी वाले से, उन्होंने कहा म्यूज़ियम बंद है। सो अब इससे ज़्यादा कुछ और दिखा नहीं सकता, यही है कि बस
थोड़ा बहुत बना हुआ है, आगे उन्होंने ट्रेन वगैरह रखी हुई हैं और ये इनका स्टेशन का मास्टर ऑफिस है। इतना बड़ी घड़ी लगी हुई है, बस यही है इधर, और तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो मैंने क्या आप लोगों को थोड़ा बहुत घुमा दूँ, जो इन लोगों ने कभी मेरी तरह ट्रेन में सफ़र नहीं किया, उन लोगों को पता होना चाहिए ना क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ये भी एक जगह स्टेशन है, आर्टिफैक्ट्स वगैरह पड़े हुए हैं सारे यहाँ। ये छोटी सी ट्रेन बनी हुई है, चेन पड़ी हुई है, बस इससे ज़्यादा यहाँ कोई नहीं है। ये वाली ट्रेन बड़ी प्यारी है, ये सारा बस यही स्टेशन है। तो अब बस करते हैं, उनका वेट कर रहे हैं, तो जब तक वो आते हैं तो तब तक उनका वेट ही कर सकते, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। चलें वो आए तो फिर आगे हम व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। गाइस सो मैं पहुंचा हूं और इसके साथ अभी हम लोगों का प्लान है, अभी रात को जाएंगे। सारी हालत ख़राब हो चुकी है, सो अभी हम जाएंगे 7:30 बजे तक निकलेंगे और 7 बजे हम पहुंच जाएंगे। तो फ़िलहाल अभी मैं आ चुका हूं, तो हॉस्टल इनके ये लोग क्योंकि यहां पढ़ते हैं तो हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल आ गया हूं। तो इसी के साथ फिर आगे हम लोग आगे जो भी प्लान बना फिर हम लोग आपको बता देंगे। सो गाइस अब अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पर माविज की बर्थडे पार्टी। ये मेरा भाई माविज है, ये मेरा कज़न साद है। हेलो कर दो ना यार, हेलो हेलो कर दो। ज़रा भी इंथूजिएस्ट बंदे नहीं है ये लोग, इनको शर्म आती है पब्लिक में व्लॉगिंग करते हैं, इनको पता नहीं किधर से पता नहीं किधर बड़े होते रहे ये लोग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रकपोशी रेस्टोरेंट पर, सो फिर इंशाल्लाह वहाँ पर पहुँचते हैं और फिर आप लोगों से बात करते हैं। तो गाइस अब हम लोग पहुंच चुके हैं, तो अभी हम लोग ऊपर जाएंगे, इधर नहीं जाना। क्या हो गया? साथ में हमने थोड़ा वो छोटा सा केक लिया माविज के लिए, ब्राउनी बर्गर बचे हैं क्या कह सकते हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे लेफ्ट में, सो ऊपर जाएंगे और सारा सीन आएगा। हेलो, ऊपर जाएंगे सारा सीन आएगा, समझ में आएगा ना क्या करने के लिए क्या। हाँ हाँ, साथ का भी YouTube का चैनल है, सो प्लीज़ जाइए उसको सब्सक्राइब करें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाँ ना, तो और क्या करूँ, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है लेफ्ट नहीं आना है घंटे दो घंटे बाद, तो पहले ये लेफ्ट आए फिर अच्छा आ गए। तो हम लोग मिलते हैं आप लोगों को ऊपर, अल्लाह हाफिज। सो गाइस अब हम लोग पहुँच चुके हैं, चलो रकपोश हाइट्स, इसकी भी प्रमोशन करते हैं। ये पहुंच चुके हैं और ये माविज साहब पहले की बैठे हुए हैं। बैठ क्यों जा रहे हो? तो अभी हम माविज की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और साथ में फिर बाद में डिनर का प्लान है, डिनर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा खासा डिनर कराऊंगा इन लोगों को, और इन लोगों को ही नहीं पता कि इन लोगों के लिए ये डेकोरेशन तुम्हारे लिए करवाई है ना। जाओ बीच में खड़े हो ना, इनकी स्नैप ही नहीं ख़त्म होती। उधर जाओ ना, वीडियो बना, स्नैप बना लो। बच्चों की तरह लड़ते रहते हैं आप लोग, देख सकते हैं बड़ा बड़ा ही होता है। ये मेरा हैंडसम सा भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या क्या कर लिए एक साल बड़े हो गए। इसे बनाओ अपनी, ने निकाल मेरी बनाओ।
सीधी करके बनाओ ना ऐडा जी तो शरीफ होंगे चल मास पीछा मैं अब बहुत ही शरीफ लग रहा हूं छोड़ एक और चले आप लोग भी फोटोज वगैरह लेते हैं तो उसके बाद तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं और माहौल चेक करें आप ये माहौल चेक करें सारा आई थिंक यहाँ पर कोई मेहंदी भी होने लगी है सो बस अभी वो भाई आए हमारी टेबल वगैरह हम लोग सेट कर रहे हैं तो बस वो टेबल वगैरह सेट करें फिर हम लोग बैठते हैं और फिर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bhavi. Happy birthday to you. तो गाइज अब हम लोग बैठ चुके हैं खाने का वेट कर रहे हैं तो जब खाना आता है तो फिर हम आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या खाना है गाइस अभी स्टार्टर्स आ चुके हैं सारे ज़रा खा के दिखाना तो क्या होता है स्टार्टर्स में कुछ और अच्छा होता था क्या कुछ भी क्या होता है भाई मुफ्ती का माल है खाओ चुप करके हुई थे ना सारा महंगी मादे का ट्राई किया सूप नहीं पसंद तो मैं ठंड में सूप नहीं खाता बंदा इनको ना भूखे इन लोगों को ना खुश करना ना ऐसे जैसे सर के साथ पत्थर मारना पत्थर के साथ सर मारना तुम्हें तो नहीं पसंद ना डाक तो वापस ये हमारा खाना आ चुका है फिलहाल रखो साथ रखती है ना सो गाइस अभी हम लोगों ने खा पी लिया और अब हम लोग जा रहे हैं अभी देखते आगे का प्लान क्या है ठीक है सो गाइस अभी हम लोग आए हैं सफा गोल्ड माल हमने क्या अब खाना तो खा लिया तो साथ में डिजर्ट भी होना चाहिए तो अभी हम लोगों ने आए हैं सफा गोल्ड माल अभी देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्या खाएंगे तो साथ और माविस वो जा रहे हैं मुझे छोड़ के रोक जाओ ना अभी आप लोग आए कुछ खाएंगे पियेंगे और सब गोल्ड मॉल देखें आप लोग ये देखें ऐसे में कुछ खास नहीं है इतना क्यों साथ तो हम बस पहुंच के वहां पर जो है फिर आपको मैं बताता हूं खुदा की कसम है इनके साथ आना भी अजाब है किनके कभी इनका क्या प्लान हो जाते कभी इनका क्या वो देखो दोनों लड़ रहे हैं इन दोनों का ना दिमाग खराब है और कोई बात नहीं इन दोनों का दिमाग खराब है इनको एक जगह पे टिकते ही नहीं लोग सीरियस है ये मैं ब्लॉग में डालूंगा देखा मैं आप लोगों क्या कह रहा था कभी ये लोग ऊपर जाते हैं कभी ये लोग नीचे आते हैं लेकिन मेरी एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखनी कुछ ना होने से भी कुछ हो जाते हैं कि जितना ऊपर जाएंगे उतना नीचे आएंगे मजा नहीं आपने मेरी बात का चांद बना रहे मुझे कहते हैं बस के रोबन खिलाऊंगा अभी कहते हैं मैकडोनल्ड्स खिलाऊंगा छोटा करो और मुझे बस के रोबन ही पसंद है इनको पता है और मैकडोनल्ड्स में खाता नहीं होता अभी इन लोगों ने कोई नया कैफे निकाला है पता नहीं कोई पार्लर क्या कर रहे हो मुस्कान यार लाइव चल रहे तो पार्लर ही होता है ना पार्लर मेरी फोटो खींचो ये लो थंबनेल
यार उन्होंने तो मेरी बहुत बेइज्जती कर दी है, मैं नहीं खेलता ऐसे। ठीक है गाड़ी निकालो। थैंक यू सो मच मावेज, इतने मजे का शेक। वापस रखो स्नैप नहीं बनाई, वापस रखो शाबाश। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। सो ये एंड ऑफ द व्लॉग है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।